हेलो दोस्तों, नमस्कार। पहला कैसे हैं आप लोग? मैं तो बहुत अच्छी हूँ, आशा है कि आप भी अच्छे होंगे। और मैं तो ये बच्चों के साथ देहरादून में इंजॉय कर रही हूँ। तो आज का ब्लॉग हमारा फिर से शुरू हो रहा है देहरादून से। कल हम चंडीगढ़ से आ गए थे, तो आज हम जा रहे हैं अपनी बुआ जी के घर, मेरी बुआ जी के घर। तो तुलसी भी जा रही है, बिंदा भी जा रही है। बिंदा वहाँ देखो, हाँ हेलो करो। बिंदा भी जा रही है, तेजस भी जा रहा है, और हमारे साहब जी भी जा रहे हैं। और एड्रेस हमें अभी मालूम नहीं है, अभी हम अपनी बहन से पूछते हैं वहाँ पे जाके उनके घर में, तो फिर वहाँ से चलते हैं। और आप मेरे ब्लॉग में बने रहो, और आज मेरी बुआ से भी मिलोगे आप लोग, तो मैं आपको आज अपनी बुआ जी से भी मिलवाने वाली हूँ। तो चलिए चलते हैं ब्लॉग में, आगे बढ़ते हैं। तुलसी की हवा गोल हो गई है नीचे कूदने में। कूदो कूदो कूदो, चलो। और बिंदा ने बहुत मुश्किल से कपड़े पहने हैं, देखो बिंदा कितनी प्यारी लग रही। बिंदा यहाँ दिखाओ, ड्रेस दिखाओ। हाँ, और तुलसी के भी जूते देखिए आप, कितने सुंदर लग रहे हैं। चलो जी चलो, देर हो रही है। क्या खा रहे हो आप? है चम्मच। बिंदा खाने में व्यस्त है। चलो नानी बुला रही है तुम्हारी, चलो घर चलो। आप ये हमारी बुआ जी हैं। हमारी बुआ जी हैं ये, इनसे मिलो। चलो बुआ जी चल रहे फिर। हाँ हाँ हाँ, ये हमारी बुआ जी हैं। आज हम अपनी बुआ जी के घर आए थे, और हमारी बुआ जी जो हैं बहुत ही ज्यादा सोशल वर्कर है ना। हाँ, वो फूफा जी हमारे सांस्कृतिक सचिव हैं यहाँ की। वो किसकी हो बुआ जी सांस्कृतिक सचिव? कुर्मांचल कल्याण परिषद की। बहुत ही एक्टिव लेडी है हमारी बुआ जी। हमारी बुआ जी मेरी ही तरह एक्टिव लेडी है। बुआ जी को मिला है सर्टिफिकेट, गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है हमारी बुआ जी को। तो हमें भी गौरव महसूस हो रहा है आज उनके घर आके। फूफा जी चले फिर हैं। चलो, ये यादगार रह जाती है ना। हाँ, जूते खोल के चल दिए अंदर। ये देखिए कितनी खूबसूरत पेंटिंग बनाई है, ये बनाई है तुलसी की नानी ने, अम्मा ने। तुलसी क्या बोलते हैं नानी को? नानी को अमुमा। अमुमा, अमुमा ने बनाई है ये। तो चलिए, अमुमा हमको और भी पेंटिंग्स दिखा रही है, वो बहुत सुंदर पेंटिंग्स बनाती हैं, तो हम उनकी पेंटिंग्स देखते हैं। ये देखिए कितने खूबसूरत राधा कृष्ण बने हैं। राधा कृष्ण है ना, है अम्मा? ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं राधा कृष्ण, कैनवास में बना रखा है ये। और ये भी कृष्णा की फोटो बनी हुई है, देखो बिल्कुल यूनिक बनाई है अम्मा ने। जगन्नाथ, हाँ दिखा जगन्नाथपुरी। और ये है जगन्नाथपुरी, वाओ बिल्कुल प्रोफेशनल। आप इतनी बढ़िया कैसे बना रहे हैं? ये है वो साईं बाबा। ड्राइंग का पढ़ाई किया तो कितना? हाँ, आजकल तो फाइन आर्ट्स की वो एजुकेशन होती है ना पूरी, तो मतलब और बढ़िया तरीके से। लेकिन ये बनाना भी बहुत बड़ी बात है भाई। अम्मा ने ये सब चीज लॉकडाउन में शुरू किया, लोगों ने लॉकडाउन का कई लोगों ने फायदा उठाया, तो उसमें से एक अम्मा भी है हमारी जिन्होंने फायदा उठाया लॉकडाउन का। मैं कई लोगों ने लॉकडाउन ने कई लोगों ने फायदा उठाया ना अपनी अपनी कला को निखारने के लिए, तो अम्मा ने भी देखो कितना सुंदर पेंटिंग्स बनाई है उस समय में और लॉकडाउन के दौरान। और बनाते बनाते देखो इतनी खूबसूरत पेंटिंग्स बना दी, जबकि कोई प्रोफेशनल पढ़ाई नहीं की है उन्होंने, YouTube से सीखा। YouTube देख के सीखा है, लेकिन बनाना तो अपने ऊपर है ना। शौक है, शौक। हाँ यार, गजब बना रखे ये, कितनी खूबसूरत बना रखे। लेकिन बना किस समय देती है फिर अम्मा ये? दिन भर तो ये दो लगे रहते हैं। हाँ, बारीक काम है ना, स्केचिंग वगैरह दिखाओ।
करते करते। और ये देखो कितना खूबसूरत मोर बना रखा है। हर पेंटिंग अलग है, इतनी खूबसूरत है कि कुछ कहा नहीं सकता, शब्द नहीं है, निशब्द हो गए अम्मा हम आपकी पेंटिंग्स देख के। राधा कृष्ण की दादा अच्छा लक्ष्मी है, सरस्वती है, लक्ष्मी होगी ना हाथ में, पता नहीं है। ये भी लक्ष्मी है, वेंकटेश, ये तो वो है कथकली, कथकली है, कथकली बहुत ही बना रखी है मैंने तो। ये लक्ष्मी देवी है, कथकली क्या हो, कथकली तो डांस फॉर्म है। ये क्या है, ये राम सीता लक्ष्मण, अरे वाह हनुमान, देखो कितना खूबसूरत बना रखा है। ऐसी पेंटिंग तो मैंने आज तक नहीं देखी। ये देखो, दादी देखो ये। अच्छा तुलसी भी दिखा रही है, ये क्या है तुलसी जरा बताओ, कथकली, कथकली नहीं है, तैयम, तैयम जैसे कथकली डांस फॉर्म है वैसे देवता है बल केरल के तैयम। वाह गणेश जी, मेरी छाया तो तुलसी हमें दिखाती जाएगी और हम देखते जाएंगे। तुलसी ये क्या है, ये है बुद्धा, बुद्धा नहीं है वो है, फिर क्या बुद्धा ही है, बुद्धा। ये है गणेश जी, कितने गणेश जी बनाए हैं और सब अलग अलग प्रकार के गणेश जी। ये तिरुपति वाला है, ये है तिरुपति बालाजी, मंदिर भी बनाया है देखो साइड में, ये देखो, वाह वाह। तुलसी ये क्या है, फूल, फूल फ्लावर, बीच बीच में तुलसी की भी, और ये भी बुद्धा बनाए हुए, बहुत ही सुंदर। ये बनाए हुए हिरन, मोस्टली अम्मा ने भगवान की पेंटिंग बनाई है, ये कृष्ण की है, ये भी कृष्ण की है, और देखो एक पत्ते में बनाई हुई है ना, हाँ ये भी देखो फ्लावर, वाह देखो ये पता नहीं है कौन है तुलसी, ये मैं तो पहचान ही नहीं हूँ। ऑक्टोपस तो नहीं, मैंने देवता होते हैं ऑक्टोपस का, ये देवता होते हैं, देवता ये मुरुगन, ये है मुरुगन, मुरुगन कौन होते हैं फिर ये भी तो बताओ हमें, तमिलनाडु में बहुत माना जाता है, शिव जी की वो है सन। अच्छा कार्तिकेय, अच्छा कार्तिकेय को बोलते हैं। ये देखो फिर से गणेश है और उन्होंने शेर की सवारी की है इसमें, हाँ दृष्टि गणपति है, इनके तीन आंखें हैं। ओ मेरी माँ, ओ जरा देखने दो अम्मा की पेंटिंग, देखने दो हमें, हाँ ये कितने सुंदर लग रहे, राम और सीता हैं तो। हाँ कला को पहचानने के लिए ना नजर चाहिए रहती है, नजरिया चाहिए रहता है, जो कि इसलिए हम पूछ पूछ के, शेषनाग के ऊपर है कृष्ण भगवान, कालिया के ऊपर, ये कृष्ण और राधा, वाओ ये देखो ये तो मॉडर्न आर्ट है यार, ये तीन आंख वाले आधा शिव और पार्वती है, बाल रूप हनुमान जी, हाँ और ये बाल रूप है हनुमान जी का, दिखाओ दिखाओ लो, ये देखो ये भी राधा कृष्ण है, इसको बंद करो, बंद करो इस बार, वो खोल लो, ये देखो गाइस इसने सारे मोड़ दिए हैं, फोल्ड कर दिए हैं, बिंदा ने और इस आर्ट को बोला जाता है म्यूरल आर्ट, तो बहुत ही सुंदर बनाया है, केरल का है वैसे,
या वैसी है बेटा नहीं वैसी अच्छा वही मेरा हाँ ये तो हम सबके लिए प्रेरणा है ना ये वाला कोई भी एज में कुछ भी काम हो सकता है इसका मतलब और तो ये सब हमारे लिए प्रेरणा है माने कोई ऐसे थोड़ी ना स्टार्ट करती पहले दिन से हाँ। पहले अम्मा हल्का हल्का बना देती फिर शौक होगा ना उनको बनाते 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 परफेक्ट फिर सरकार से अपने नौकरी के द्वारा फिर अम्मा ने फिर अम्मा को स्नेहा अम्मा को कलर्स वलर्स भेजने लगी इसका मतलब हम अपने को सरकार से रीएम्प्लॉयड मांग सकते हैं फिर स्नेहा ने बचाना पहले अम्मा का टैलेंट सही में फिर वो भेजती रहती थी फिर हमने लगा यार अभी भी ज्यादा तक तो वो स्पॉन्सर ये देखो बिंदा किस गति से लपेट रही है अम्मा की पेंटिंग को आराम से बेटा देखो तुलसी भी बैठ गई है नहीं 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 ऐसे खराब हो जाएगी अम्मा बहुत खूबसूरत है लेकिन आपको इसमें अपना नाम लिखना चाहिए ना, 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 ना। हाँ बाद में सब में लिख लेना और इसमें बने हुए हैं हिरन वाओ ये किसकी है ये है वो कौन माता है जरा बताओ यार अच्छा ये देखो दुर्गा माता है क्या खूबसूरत डिटेलिंग है यार एक एक चीज मतलब परफेक्ट बनाई है ये कौन है धनवंतरी है ये कौन है अम्मा दक्षिणामूर्ति शिव जी है अच्छा हाँ शिव जी है हाँ उनको याद भी है और उनको पता भी है क्योंकि अम्मा सारे भगवान का नाम जानती है कह रही तुलसी ये है कृष्ण भगवान ना बांसुरी है इनके हाथों में सब अलग अलग रूप होते हैं ना हर जगह भगवान के तो ये बुद्धा है बहुत सुंदर ये तो सरस्वती है वीणा देख के मैं समझ गई कि ये सरस्वती है लेकिन सब अलग तरीके की है ना जो हमारे वहाँ होती है दूसरे टाइप की सब अलग ये म्यूरल्स में ही है राम हनुमान ये है राम जी और हनुमान जी देखो राम जी ने गले से लगाया हुआ हनुमान जी को है ना कितना सुंदर दृश्य है चित्र किष्कंधा के वासी किष्कंधा महाराज में है अभी इसमें नहीं करना ये देखिए ये सबसे बड़ी पेंटिंग है पूरे टेबल के बराबर है और अम्मा को इसको बनाने में लगा पूरा एक साल तो ये विष्णु जी जो है वो क्षीर सागर में लेटे हुए हैं और सारे भगवान हैं देखो नारद जी हैं और ये लक्ष्मी माता की गोद में लेटे हुए हैं है ना और ये कौन हो गए देखो एक तो ब्रह्मा ये ब्रह्मा जी हैं रुको देखने दो ना ब्रह्मा शिव ये शिव और पार्वती हैं अरे सही कर सकते हैं हो सकता थोड़ा सा कलर सही हो जाएगा यही कलर करते हो कुछ अंदाज नहीं आ रहा ये कैसे लगा तो हमारे पास थोड़ा सा हमने ना कमरा डेडिकेटिंगली इसके लिए कर सकेंगे वो चीज पॉसिबल नहीं हो रही यहाँ पे सब ऐसे ही पूछ रहे हैं तो खराब हो जाते हैं बहुत सुंदर कितना टाइम लगता है एक एक पेंटिंग को बनाने में एक एक साल लगता है इसको बनाने में तो लगा ही है साल हो गया और ये देखिए येलो बुद्धा पूरे येलो कलर के वाओ ये ब्लू कलर के बुद्धा येलो कलर के बुद्धा ये देखो ब्लू कलर के बुद्धा मजा आ गया यार मैंने तो इतनी पेंटिंग्स आज ही देखी पहली बार हाँ नहीं ऐसी तो मैंने नहीं देखी आज तक मैंने ऐसी नहीं देखी वैसे हाँ। कराना लगी भी कभी एग्जीबिशन सही में ये जगन्नाथपुरी कितना सुंदर बना हुआ ऐसा लग रहा है जैसे कि मतलब वो मशीन से निकला हो है ना पहले मशीन से समझाओ शिव पार्वती गणेश कार्तिकेय
अब हाथ जोड़िए देखो भगवान की फोटो देख के बिंदा बिंदा हाथ जोड़िए इसको बहुत अकल है बहुत होशियार लेडी कुछ भी कर सकते हो दुनिया का कोई भी काम कर सकते हो हाँ एज कोई मायने नहीं रखती है एज इज जस्ट नंबर कुछ लोगों के लिए आँखों में प्रॉब्लम है एलर्जी हो जाती है उनको तुलसी आपको भी आती है ड्राइंग बनानी सीखना अम्मा से तुम भी सीखना बिंदा तुलसी बिंदा तुम तो सीख ही लेना